मौसम कई बार आपकी जुबान बन जाते हैं, कभी बरसते हैं तो कभी खामोश हो जाते हैं, कभी तड़पते हैं किसी के लिए बेपनाह तो कभी किसी के लिए बर्बाद हो जाते हैं। हेलो ऑल, नमस्कार। मेरा नाम है क्रांति प्रकाश झा, यानी कि आपका अपना केपीजे। और आज जो मैं कहानी लेकर आया हूं, वो कहानी दिल को छूने वाली है, क्योंकि इस कहानी ने मेरे दिल को भी छुआ है। देखिए ना, हमारी खुद की जिंदगी भी मौसमों की तरह होती है, हर दिन कुछ नया, कुछ अलग हो जाता है। और आज की कहानी भी किसी ऐसे इंसान के बारे में है जो मौसम की तरह बेहद मस्त मौला है, क्योंकि इस कहानी का नाम है मौसम मस्ताना। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज तक हमने मौसम मस्ताना तो बहुत सुना है, लेकिन आज मैं जिसकी कहानी कहने जा रहा हूं वो भी बहुत मस्ताना है। ये कहानी है रोचक मस्ताना की। रोचक एक मस्त मौला लड़का है और उसको गाने बजाने का और शायरी का बहुत शौक है। वो एक अच्छा सिंगर बनना चाहता है। वो अमृतसर के खालसा कॉलेज में म्यूजिक में ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन लेता है। हमारा भोला भाला रोचक लड़कियों के सामने बहुत ही शर्मा जाता है। आप में से बहुत लोग ऐसे ही शर्माते होंगे। खैर, एक दिन इन लोगों की ऑडिटोरियम में ट्रेनिंग चल रही थी। तब इनकी प्रोफेसर ने कहा, चलो मस्ताना जी, अब आपकी बारी है। रोचक अपना गिटार लेकर स्टेज पर चढ़ जाता है। वो सामने बैठे स्टूडेंट्स को देखकर बहुत एक्साइटेड होता है और अपना फेवरेट गाना शुरू करने ही लगता है कि तभी दरवाजे के पास किसी के गिरने की धड़ाम सी आवाज आती है। सबका ध्यान एक साथ उस तरफ ही जाता है, लेकिन रोचक तो सामने देखकर जैसे पता नहीं कहां खो जाता है। सामने एक लड़की नीचे जमीन पर गिरी होती है और सब उसको देखकर हैरान हो रहे होते हैं। वो जल्दी से उठती है, सॉरी मैम, वो पता नहीं मेरा ध्यान कहां था, मैंने नीचे स्टेप को देखा ही नहीं। उसके हवा में उड़ते बाल, कानों के झुमके और माथे पर लगी छोटी सी बिंदी, हाय, वो तो जैसे न जाने कितने लड़कों का दिल ले गई थी। वही रोचक तो जैसे उसको देखकर गाना ही भूल गया। मैडम उसे जल्दी से अंदर बुलाती है और बिठा देती है। फिर रोचक की ओर देखकर टीचर ने कहा, चलो मस्ताना जी, अब शुरू करो। लेकिन रोचक, हाय, उसका दिल तो जाने कब से इस लड़की के लिए भागना शुरू हो चुका है। रोचक उस लड़की को देखता ही जा रहा है। और तभी टीचर की बात सुनकर उसने गाना शुरू किया। रोचक ने पूरा गाना उस लड़की की ओर देखते हुए ही गाया। वो लड़की भी शायद रोचक के जज्बातों को महसूस कर रही थी, पर वो भी थोड़ा छिप छिप कर रोचक को ही देख रही थी। रोचक के गाना खत्म करते ही सबने तालियां बजाई और ये लड़की भी मुस्कुराने लगी। तभी टीचर ने उस लड़की की ओर देखकर कहा, अब अपने बारे में बताओ। उस लड़की ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, मेरा नाम सरगम है और मैं बठिंडा की रहने वाली हूँ। मेरा एडमिशन लेट हुआ है, मैं यही कॉलेज के हॉस्टल में रहती हूँ। सरगम नाम सुनते ही रोचक तो जैसे सात सुरों में कहीं गुमसा हो गया। उसके बाद तो ये रोज की बात हो गई। रोचक और सरगम जैसे एक दूसरे के सामने आते, न जाने क्यों दोनों की धड़कनें तेज हो जाती। दोनों एक दूसरे की आंखों में ऐसे खो जाते जैसे कोई समंदर हो। प्यार होता भी तो चुलबुला सही है ना, आंखें जुबान बन जाती हैं पर आपको पता ही नहीं चलता कि वक्त कैसे हवा की तेजी से फिर दौड़ने लगता है। दोनों की आंखें साफ साफ बताती हैं कि दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं, लेकिन जाने ऐसा क्या डर है जो वो दोनों कभी एक दूसरे से बात नहीं करते। या यूं कहें कि अपने दिल की बात को जुबान पर नहीं ला पा रहे। जैसा कि क्लास में होता है, जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं सब मिलकर पिकनिक प्लान करते हैं किसी हिल स्टेशन पर।
रोचक तो बस इस बात से खुश है कि सरगम भी उन सब लोगों के साथ इस ट्रिप पर आई है। बस में जाते हुए दोनों एक दूसरे के सामने वाली सीट पर बैठे। लोगों की भरी बस में दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल जाती तो दोनों ऐसे नजरें फेर लेते जैसे कोई उनकी चोरी पकड़ी गई हो। वहां पहुंचकर सब लोग एक गार्डन में बैठे और खूब बातें होने लगी। लेकिन जो बातें रोचक और सरगम एक दूसरे से कर रहे हैं वो ना तो कोई सुन पा रहा है और ना ही समझ पा रहा है। इस आंखों ही आंखों में चलते इशारों ने एक दूसरे के दिल को जीत लिया है। तभी कुछ लोग गाते बजाते हुए नाचने लगे तो कुछ लोग मार्केट की तरफ बढ़ गए। धीरे धीरे करके सब लोग कहीं ना कहीं चले गए। लेकिन वहां उस नदी के किनारे कोई बैठा है तो है रोचक और सरगम, और दोनों की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हैं। अपने अपने हाथों में पकड़े चाय के कुल्हड़ को धीरे धीरे पीते हुए शायद वो इस समय को सबसे ज्यादा, लेकिन दोनों ने कोई बात नहीं की। सरगम ने मन में सोचा, ये रोचक तो एकदम बुद्धू है, गाने में इतना माहिर है, ये नहीं कि कुछ गुनगुनाकर अपने दिल की बात कह दे, लगता है मुझे कुछ करना होगा। जहां सरगम के मन में ये उथल पुथल चल रही है तो वहीं रोचक के दिल का भी यही हाल है। यार सब लोग कहते हैं कि पक्का सरगम मुझे पसंद करती है, पर ऐसा ना हो कि मैं इसे कुछ कहूं और ये मुझसे एकदम नाराज हो जाए। समझ नहीं आ रहा कुछ कहूं या नहीं। फिर हिम्मत करके रोचक ने कहा, सरगम। उसने नजर दौड़ाकर रोचक की तरफ देखा। फिर रोचक ने आगे कहा, हिम्मत नहीं हुई आज तक ये बात जुबान पर लाने की, आज कोशिश करके कुछ कहना चाहता हूं। इससे पहले कि सरगम कुछ कहती उसका मोबाइल फोन बजने लगा। मोबाइल फोन पर उसने जैसे ही कॉल करने वाले का नाम पढ़ा तो शायद उसका दिल उस वक्त धड़कना ही बंद हो गया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और फोन पर बात करने लगी। थोड़ी देर बाद सरगम सीधा वहां से भागकर रिजॉर्ट में चली गई। रोचक की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उससे पूछ सके कि कोई परेशानी है क्या। कई बार हद से ज्यादा चुप रहना आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है, इसलिए अगर किसी से प्यार करो तो उसका इजहार जल्द से जल्द करो। वो सारी रात रोचक ने जाग कर निकाल दी। उसके मन में अलग अलग थॉट्स आ जा रहे हैं, कहीं सरगम किसी और से प्यार तो नहीं करती, नहीं उसकी आंखों में तो मैंने अपने लिए कशिश देखी है, वो किसी परेशानी में तो नहीं है। पता नहीं कितने सारे थॉट्स उसके जहन में चलने लगे और इन्हीं सवालों को सोचते सोचते रोचक ने प्लान बनाया कि वो कॉलेज पहुंचते ही अगले दिन उसे साफ साफ बात करेगा और उसे अपने दिल का हाल कह देगा। अगले दिन सरगम के चेहरे पर उदासी है और आंखों में सूनापन। वो बैठी तो अब भी रोचक के बिल्कुल सामने वाली सीट पर है, लेकिन आज उसने एक बार भी रोचक की तरफ नहीं देखा, बल्कि आज वो खिड़की से बाहर देखती जा रही है। जाने कौन से सवाल पूछ रही है कुदरत से वो। अपने शहर अमृतसर पहुंचकर सब लोग जल्दी जल्दी अपने घर की ओर निकल पड़े। पता नहीं क्यों रोचक का दिल घबरा रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है। वो रात को हॉस्टल के बाहर घूम रहा होता है तभी उसका दोस्त अभिषेक उसके पास आया। ओए क्यों होया तन्नू, क्यों ऐसे मजनू बनकर घूम रहा है कल से? हाँ रोचक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई थी यार कल अपने दिल की बात सरगम से कहने की, लेकिन मैं नहीं कह पाया। ओए मेरे मौसम मस्ताने, तो इसमें मुंह लटकाने की गाल है? मुझे पता चला है कल सरगम का बर्थडे है, तू कल मार दे चौका और कर दे अपने प्यार का इजहार। ये सुनते ही रोचक की आंखों में चमक आ जाती है।
और उसे लगने लगता है कि शायद यही अच्छा मौका है या सबसे अच्छा मौका है अपने दिल की बात सरगम से कह देने का। अगली सुबह वो झट से बाजार गया और एक गुलाब के फूल के साथ बढ़िया सा चॉकलेट केक सरगम के लिए लेकर आया। फिर उसने पायल से कॉल करके कहा, पायल वो आज सरगम का जन्मदिन है ना, तो मैं उसके लिए कुछ लेकर आया हूं, क्या तुम उसको बोल सकती हो कि वो प्लेग्राउंड में आकर मुझसे एक बार मिल ले। ये सुनते ही पायल ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या बात है मस्ताने, आज तो मौसम भी मस्त है और हमारा रोचक भी, मैं भी थोड़ी देर में भेजती हूं उसको। रोचक मस्ताना बहुत मस्ती से वही इंतजार करने लगा। देखते देखते 2 घंटे बीत गए लेकिन सरगम नहीं आए। रोचक का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने पायल को फोन करने के लिए जैसे ही फोन उठाया उसी वक्त पायल का फोन आ गया। रोचक, हाँ पायल बोलना। ओ यार बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई यार। ये सुनते ही रोचक की सांस तेज हो गई। सरगम ठीक तो है ना? यार रोचक वो जा रही है, वो कॉलेज से ही जा रही है, तू जल्दी जा और पार्किंग में मिल ले उससे, अगर तूने आज देर कर दी ना तो शायद हमेशा के लिए देर हो जाएगी। ये सुनते ही रोचक के हाथ में पकड़ा हुआ फूल वहीं नीचे जमीन पर गिर गया और वो भागता हुआ पार्किंग की तरफ जाने लगा। इस वक्त रोचक को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी की ट्रेन छूटने वाली है, अगर वो समय पर नहीं पहुंचा तो सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रोचक पागलों की तरह भागता जा रहा है और आसपास के सारे स्टूडेंट्स उसे इस तरह दौड़ता हुआ देखकर हैरान है। रोचक को दूर से सरगम नजर आ रही है जो कार में बस बैठने ही वाली है। वो इससे पहले कि सरगम तक पहुंच पाता सरगम उस सफेद गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। सरगम कहां गई, क्यों गई, उसका घर कहां है, सोशल मीडिया, उसका नंबर, किसी को कुछ नहीं पता। उसका एक नंबर जो पायल के पास था वो भी स्विच ऑफ आ रहा है। रोचक उसका कितने दिनों तक इंतजार करता रहा लेकिन सरगम लौट कर नहीं आए। आप सब भी यही सोच रहे होंगे ना कि अब आगे की कहानी में क्या होने वाला है। मैं भी यही सोच रहा हूं, तो आइए सुनते हैं आगे की कहानी 5 सालों के बाद। अरे तूने मुझे कैसे याद किया आज? हाँ भाई रोचक, अब तो तू बड़ा आदमी बड़ा सिंगर बन चुका है, अब तू तो याद करेगा नहीं, इसलिए मैंने तुझे याद कर लिया। अरे कैसी बात कर रहा है अभिषेक, ऐसी कोई बात नहीं है यार, और बड़ा क्या, मैं तो आज भी तुम लोगों का वही रोचक मस्ताना हूं। क्या आप भी उसे याद करता है, अभिषेक ने कुछ देर रुककर पूछा। रोचक ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, याद उसे किया जाता है अभी जिसे भुलाया गया हो, और मैंने तो उसको कभी भुला ही नहीं। एक पल के लिए अभी कुछ समझ में नहीं आया कि वो रोचक से क्या कहे। अभी ने जल्दी से कहा, अच्छा ये सब छोड़ जाने दे, हम सब बैच वाले एक गेट टुगेदर प्लान कर रहे हैं और तुझे भी आना है। हाँ ये सुनकर रोचक ने टालते हुए कहा, अरे नहीं यार, तुझे पता है मैं काम के सिलसिले में मुंबई से बाहर ही रहता हूं, सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा। अभी ने कहा, सुन वो भी आ रही है। ये सुनकर एक पल के लिए रोचक का दिल जैसे धड़कना बंद हो गया हो। अभी ने आगे कहा, यही मौका है बेटे तेरे सारे सवालों के जवाब पाने का, अगर इस बार तू नहीं आया ना तो तू ये मौका हमेशा के लिए खो देगा, बाकी देख ले मर्जी है तेरी। रोचक वो सारा दिन अपने कमरे में बैठ बस सरगम के बारे में सोचता रहा, वो कहां चली गई थी और आखिर क्यों, वो मुझसे प्यार करती भी थी या नहीं पता नहीं। अब आया गेट टुगेदर वाला दिन। मैं बहुत खुश हूं मस्ताने कि तू आया, अभी ने उससे गले लगाते हुए कहा। सब लोग बहुत खुश हैं लेकिन उन सब में रोचक सिर्फ उस चेहरे को तलाश रहा है जिसने उसके जाने कितने रातों की नींद उड़ा दी थी। थोड़ी देर के बाद किसी के कदमों की आहट आई
और पायल चिल्लाई, अरे सरगम। ये सुनते ही रोचक के हाथ पैर फूल गए, मगर उसके पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ समय के बाद सरगम आकर रोचक के सामने वाली सीट पर बैठे, दोनों की आंखें मिली। आज भी सरगम बिल्कुल वैसी की वैसी है, वही मासूमियत, वही भोलापन, लेकिन थोड़ी ज्यादा दुबली हो गई है। सब लोग जानबूझकर सरगम और रोचक को वहीं छोड़कर चले गए। थोड़ा वक्त और बीता, दोनों थोड़े से ऑकवर्ड थे, लेकिन रोचक ने अभी तक दोबारा नजर उठाकर सरगम को नहीं देखा। तभी उस चुप्पी को तोड़ते हुए सरगम बोली, मैं जानती हूं रोचक कि तुम मुझसे नाराज हो। रोचक ने पलकें उठाकर सरगम को देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और फिर अपना मुंह फेर लिया। सरगम ने अपना हाथ रोचक के हाथ पर रखते हुए कहा, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो रोचक, और शायद उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं तुमसे करती हूं। ये सुनते ही रोचक ने सरगम की आंखों में देखते हुए कहा, इसलिए छोड़कर भाग गई थी। ये सुनते ही सरगम की आंखें भीग गईं। तुम्हें पता है रोचक, मेरे मम्मी पापा बचपन से नहीं थे, और मुझे मेरे दादाजी ने पाला। ट्रिप पर मुझे फोन आया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। मेरे बर्थडे वाले दिन मैं तुमसे मिलती, उससे पहले मेरे चाचा जी मुझे लेने के लिए आ गए, क्योंकि मेरे दादाजी अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। जब मैं घर पहुंची, उसके दो दिन बाद मेरे दादाजी चल बसे। फिर मेरे चाचा जी मुझे पुणे लेकर चले गए। इस बीच मेरा फोन घर पर ही छूट गया, मेरे पास किसी का नंबर नहीं था। मुझे इस सदमे से बाहर आने में काफी वक्त लगा, और यूं ही ये 5 साल बीत गए। अभी थोड़े दिन पहले मुझे पल्लवी पुणे में मिली, उसकी शादी वहीं हुई है। मैंने उसको सब बताया, सिर्फ इसलिए हमने ये गेट टुगेदर का प्लान बनाया। ये सब सुनकर रोचक हक्का बक्का रह गया। अपने आंसू पोंछते हुए सरगम ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं रोचक, क्या तुम अब भी मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगे? रोचक का तो जैसे सपना ही सच हो गया। वो अपनी जगह से उठा और उसने जाकर सरगम को गले से लगा लिया। उनके दोस्त ये देखकर तालियां बजाने लगे और सबकी आंखें नम हो गई, क्योंकि सच्चा इश्क जो है ना, एक हो ही जाता है। देखिए ना, प्यार में बात ही अलग होती है। ये कभी अपने हम सफर से जुदा नहीं हो पाता, मगर ये भी उतना ही सच है कि प्यार में आपको सब्र रखना पड़ता है। क्या आप भी जानते हैं कोई ऐसी कहानी मोहब्बत के बारे में? अगर हां तो मुझे बताना मत भूलिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी, क्योंकि मोहब्बत की कहानी दिल को छू जाती है, और जो कहानी या जो बात दिल को छू जाए उसमें खुदा बसता है, मेरा ऐसा मानना है। तो चलिए, मैं फिर आप सबसे लेता हूं विदा। आप सब अपना ध्यान रखें, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स। मोहब्बत में रहें, मोहब्बत करते रहें, मोहब्बत बांटते रहें, क्योंकि इस दुनिया में मोहब्बत की बहुत कमी है, और मुझे लगता है कि मोहब्बत में इजाफा होते रहना चाहिए। ध्यान रखें, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।